आज की हमारी बहुत ही शानदार ऑडियो कैसेट है और इस फिल्म को आपने सब टीवी पर इतनी बार देखा होगा कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिल्म सब टीवी पर लगातार आती रहती है। तो आज हम यही कैसेट दिखाएंगे। फिल्म का नाम है सूर्य बंसम और ऑडियो कैसेट कंपनी का नाम है बीनस कैसेट। म्यूजिक दिया था अन्नू मलिक ने और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के डबल रोल थे। आपने फिल्म देखी है तो आज हम यही कैसेट दिखाएंगे, साथ में छोटे छोटे गानों की झलकियां सुनाएंगे। तो वीडियो एंड तक देखते रहना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर प्रतिदिन आते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे दबा लेना। तो चलिए चलते हैं सन 1999 में और करते हैं सूर्य बंसम ऑडियो कैसेट का रिव्यू। और राजा बाबू नैसरा यूट्यूब चैनल पर फाइनली सूर्य बंसम फिल्म की दो ऑडियो कैसेट है जो कि आप सामने देख भी सकते हैं। दोनों एकदम ओरिजिनल और मास्टर कैसेट है। कैसेट दिखाने से पहले हम आपको थोड़ी सी जानकारी फिल्म के बारे में बता देते हैं, उसके बाद इसका बड़ा वाला पोस्टर और गानों की झलकियां सुनेंगे। सूर्य बंसम सन 1999 में आई एक बहुत ही जबरदस्त हिंदी भाषा की फिल्म थी जो कि रोमांटिक फैमिली एवं ड्रामा से भरपूर थी। इस फिल्म में आप जानते हैं हमको मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे अमिताभ बच्चन जिनका डबल रोल था, इसके बाद जयसुधा एवं सौंदर्या। और फिल्म का डायरेक्शन किया था ई.वी.वी. सत्यनारायण जी ने और फिल्म के गानों में म्यूजिक दिया था अन्नू मलिक ने, गाने लिखे थे शमीर अंजान ने और फिल्म रिलीज हुई थी 21 मई 1999 को और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म फाइनली फ्लॉप साबित रही थी। बाकी आपने फिल्म सेट मैक्स पर देखी होगी और ये फिल्म सौंदर्य की पहली एकमात्र हिंदी भाषा की फिल्म थी। तो चलिए अब आपको हम कैसेट दिखा देते हैं। तो हमारे पास दो कैसेट हैं, देख सकते हैं। पहले ये देख लीजिए तो बहुत ही जबरदस्त पोस्टर, साथ में बीनस का लोगो, अमिताभ बच्चन के डबल रोल है तो डबल रोल का फोटो है। ये रहे पिताजी और ये रहा बेटा। यहाँ पर लिखा है सूर्य बंसम, बाकी जानकारी यहाँ पर इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर की लिखी हुई है। म्यूजिक अन्नू मलिक का था और लिरिक थे समीर के। यहाँ पर भी बीनस का लोगो, यहाँ पर लिखा है सूर्य बंसम। रही बात गानों की तो चार और चार आठ गाने इस ऑडियो कैसेट में दिए हैं। अभी हम छोटे छोटे आठ गाने सुनाएंगे, साथ में बीनस का लोगो है। अब मैं इसकी पैकिंग देख लूँ कहाँ पर लिखी हुई है। वैसे तो कॉपीराइट 1999 के हैं, फिर भी मैं आपको अंदर लिखी होगी तो देख कर बताऊंगा। पहले कैसेट देख लीजिए। ये रही बीनस के बैनर तले आई सूर्य बंसम की ओरिजिनल मास्टर कैसेट, चेक कर लीजिए। ये साइड भी है, यहाँ पर लिखा है सूर्य बंसम और ये साइड ए है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। कैसेट की कंडीशन ब्रांड न्यू है। बाकी इसके गाने उस जमाने में ज्यादा नहीं चलते थे, मुझे याद है जब मेरा म्यूजिक सेंटर था, लेकिन हमारे पास कैसेट होती थी तो हम आपको दिखा देते हैं। तो ये रही इसकी बैक साइड, चेक कर लीजिए। अमिताभ बच्चन, सूर्य बंसम, साथ में बीनस का लोगो और ये रही इसकी फ्रंट साइड। बाकी पैकिंग में देख रहा था कहीं दिख जाए तो आपको दिखा दूं, पर पैकिंग हाँ यहाँ पर लिखी हुई है पैकिंग, देख लीजिए। 4/1999 की पैकिंग है तो ये मास्टर कैसेट है। तो चलिए अब आपको गानों की झलकियां और सुना देते हैं जिससे आपको भी अच्छा लगे। जैसे कि साइड ए का पहला गाना है, गाना बहुत ही शानदार है। गाने के बोल हैं चोरी चोरी, आवाज दी है अमिताभ बच्चन, सोनू निगम एवं जसपिंदर नरूला ने। चोरी 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 से बोले रे बोले रे मेरा। साइड ए का दूसरा गाना, गाने के बोल हैं पीपल के पत्ते, आवाज दी है सोनू निगम एवं जसपिंदर नरूला ने। साइड ए का तीसरा गाना, गाने के बोल हैं दिल मेरे, आवाज दी है कुमार सानू ने। दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना। साइड ए में चौथा लास्ट गाना जो कि इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग है जिसका नाम है सूर्य बंसम, आवाज दी है सोनू निगम ने। तो चलिए फिर साइड बी के गानों की झलकियां और सुन लेते हैं। तो साइड बी का जो पहला गाना है, गाने के बोल हैं कोरे कोरे सपने, आवाज दी है कुमार सानू अनुराधा पौडवाल ने। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग। साइड बी का दूसरा गाना, गाने के बोल हैं दिल मेरे, आवाज दी है कुमार सानू ने। दिल मेरे तू दीवाना है,
साइड बी का तीसरा गाना, गाने के बोल है हर शुभ, आवाज दी है कुमार सानू एवं चित्रा ने। साइड बी का चौथा लास्ट गाना, गाने के बोल है दिल मेरे, आवाज दी है चित्रा ने। तो बताइए दोस्तों, फिर कैसे लगे आपको सूर्यवंशम फिल्म के गानों की झलकियां। फिल्म तो आपने देखी होगी, आज मैंने आपको गानों की झलकियां वो भी ऑडियो कैसेट से सुनाई। अच्छे लगे हैं तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। चलिए दूसरी कैसेट देख लेते हैं। तो ये रही दूसरी कैसेट, चेक कर लीजिए, कैसेट बड़ी ही शानदार है। यहाँ पर सूर्यवंशम लिखा हुआ है, दोनों अमिताभ बच्चन के फोटो, यहाँ पर भी सूर्यवंशम, सेम पैकिंग है, सेम गाने हैं, और ये रही सेम ऑडियो कैसेट। ये साइड ही है और ये साइड ए है, बाकी पोस्टर भी सेम है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ये बैक साइड है और ये रही इसकी फ्रंट साइड। दोस्तों अब 1999 की हमारी ये लास्ट सीरीज ही चल रही है, दो तीन कैसेट और बची हैं, उसके बाद हम सन 2000 की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं सन 1999 में आई इससे अच्छी ऑडियो कैसेट के रिव्यू में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।